बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, जहां उझानी नगर पालिका में रामलीला ग्राउंड पर लॉकडाउन के बाद बंद पड़ा बुद्ध बाजार फिर चालू हो गया, जहां पर चूड़ी तो कहीं बिक रही है चप्पल और कहीं पुराने नए कपड़े। गरीब लोगों को इसमें सस्ते दामों पर कपड़े मिल जाते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने करोड़ों की चोरी का पर्दाफाश किया है। पायलवाला शोरूम में हुई 5.5 करोड़ की ज्वेलरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी के जेवरात बरामद हुए हैं और चोरी में प्रयुक्त इनोवा वाहन व बाइक को जब्त किया गया है। तो इसमें इनका ऑपरेशन में टूट गया। फिर टूटने के बाद उसने बोला कि उसके साथ दो लोग, ये लोग प्रवेश किए थे उस दिन 1 तारीख के दिन, और इसकी ये रेकी कर रहा था 1 महीने से। वहाँ पर जस्ट ICH के यहाँ पर जो पान दुकान था, वहाँ पर खड़े होकर देखता था कि कब दुकान खुल रहा है, कब बंद होता है, कितने कर्मचारी जाते हैं, कहाँ से ताला लगता है। तो इसके आधार पर उसने ये पूरा किया था। पूछताछ में उसने अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसने ये कबूला है कि वो कॉइल, हीटिंग कॉइल का कारखाना टाइप का उसका घर में गोलपुर में है। कोरोना का काल में उसको काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसका उसने काफ़ी कर्ज वगैरह लिया था, तो कर्ज चुका नहीं पा रहा था। और जो इनोवा उसके पास है, वो भी एक व्यक्ति यहाँ पर है, कृष्ण प्रसाद बोल के। कृष्ण प्रसाद के माध्यम से कोई नाजिर खान ने बीच में रह के उसको गाड़ी दिलवाई थी, उसको भी वो 3 लाख का उधारी उस पर पटा नहीं पा रहा था, जो 7-8 महीने से चल रहा था। तो इसकी वजह से उसने अपने और एक साथी जो है, एक आरिफ बोल के है, उसके साथ मिलकर योजना बनाने का प्रयास किया था, मगर आरिफ ने बीच में उसको लगा कि इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं होता, हट गया। तो फिर मगर इन्होंने पूरा रेकी वगैरह काम किया था। उसका बाद उसने एक बैजुद्दीन बोल के उसका दूसरा साथी है, जो नशा का आदत है उसको अपने साथ रख लिया, और इस बैजुद्दीन के साथ मिलके उसने कटिंग का सामान वगैरह पूरा खरीदा था, और फिर ये ताला वगैरह तोड़ के अंदर जाके और DBR वगैरह निकाल लिया पहले, फिर उसका बाद पूरा दुकान साफ करके दुकान में उपलब्ध बोरियों के अंदर ये पूरा सामान रखा, और फिर वहाँ से अपना इनोवा लेके चला गया। जाते जाते पूरा रात घूमते रहे, 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक। फिर बाद में उन्होंने अपना इनोवा बरेरा रोड में एक जगह, कोसम घाट बोल के गाँव है, वहाँ पर 1 किलोमीटर अंदर रोड से जाएंगे तो वहाँ पर इनोवा पार्क कर लिया, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया, जूता जो पहना था वो लगा के अलग कर। पाली हरदोई भरखनी ब्लॉक क्षेत्र के लोकहा गांव में आयोजित स्वागत समारोह में विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने कहा कि बीजेपी सरकार जनभावनाओं को समझ रही है और उसी के अनुरूप लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं का आदर करना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो सहयोग और समर्थन भाजपा सरकार को दिया है, प्रदेश की योगी सरकार उस पर लगातार खरा उतरने का प्रयास कर रही है। कई जगह हम लोग कार्यक्रम में चले गए थे, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। आज हमारे साथ हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, छोटे भाई और बहुत ही ओजस्वी नेता आदरणीय सत्येंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे हरपालपुर से पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री, युवा मोर्चा के मंत्री श्री जितेंद्र सिंह राजपूत जदू भैया, पाली के हमारे नेता आदरणीय कुलदीप मिश्रा जी। खबर आ रही है बदायूं से, जहां धूमधाम से गणेश बप्पा की बारात निकाली गई। बदायूं गणपति बप्पा मौर्या की गणेश चतुर्थी पर कलश यात्रा उझानी नगर में निकाली गई। इस बार आयो गणपति बप्पा मौर्या हर्षाला आओ, इसी के साथ भक्तों ने गणपति बप्पा मौर्या के धूमधाम से नारे लगाए। हमारे साथ आचार्य पंडित जी, परम पूज्य पंडित जी गणपति यहाँ मौजूद हैं। पंडित जी अपने बारे में बताएं, कैसे गणपति बप्पा को मनाया था? पंडित जी आपका बहुत ज्यादा श्री गणेश भगवान को जो भी सर्वप्रथम इनकी पूजा याचना करते हैं, उनके घर में उन भक्तों को सर्वदा हमेशा आनंदमयी रहते हैं। श्री गणेश सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। जो गणेश जी की आराधना, गणेश जी की पूजा करते हैं, उन सबके लिए सब कुछ प्राप्त होता है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। सभी भक्त भगवान की जय। गणपति बप्पा मौर्य के साथ हर साल आओ, हर साल इस बार आयो, हर साल आओ, ये
द्वारा निकाले गए गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अच्छी अच्छी झांकी उधर कलश यात्रा में भाई हमारी माँ बहने लगकर खड़ी हुई है और कलश यात्रा निकाले। आप क्या मंदिर मांग रहे हैं गणपति बप्पा से? कहाँ बोलो बोलो कैसे मनाओ गणपति बप्पा के लिए? कैसे मनाओ गणपति बप्पा? अभी ये जो यात्रा निकाली आपने किस जगह किस जगह पे यात्रा निकाली थी? किस किस जगह पे निकाली थी? घुमाने के लिए कहाँ घुमाने गए? ये उजानी में हमने गणपति बप्पा की मूर्तियाँ निकाली है और यहाँ पर काफी लोग ज्यादा से हो रहा है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TGN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।